खम्मागणी किसान साथियों, मेरा नाम गमेर सिंह रणावत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल से नहीं जुड़ा है तो फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर क्लिक करें, साथ में ही घंटी का निशान दबाएं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फसल बोने का समय आ गया है, जहाँ पर गेहूँ बुआई हो रही है, चना बुआई हो रही है, सरसों की बुआई हो रही है। अब परेशानी आती है रोजड़े की, यानी कि थोड़े से गेहूँ बड़े हुए, थोड़ी सी सरसों बड़ी हुई, रोजड़े अपने खेत में आके चर के निकल जाते हैं। इसके लिए समाधान आता है वायर फेंसिंग का। वायर फेंसिंग के लिए चाहिए अपन को खंभे, तो खंभे लाए कहाँ से? अब कहीं फैक्ट्री में जाते हैं अपन तो वहाँ पे 240, 250, 300, 350 तक के अलग अलग वो खंभे अपन को बेचते हैं। लेकिन क्या अभी आपने सोचा है कि ये खंभे बनते कैसे हैं, कहाँ से बनाते हैं, क्या हम खुद बना सकते हैं क्या? अगर एक बड़े गांव में, अगर सारे खेतों में अगर वायर फेंसिंग करनी होती है तो कितने खंभे की जरूरत पड़ती है? आप भी जानते हो, हजारों खंभे की जरूरत पड़ती है। तब हजारों खंभे के लिए अगर हम एक ऐसी मशीन खरीद लें जिसकी सहायता से अपन घर बैठे बना सके और इसके साथ में अपना एक बिजनेस भी शुरू कर सके, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ वाइब्रेटिंग टेबल के बारे में, जिसमें बनने वाले हैं अपने वायर फेंसिंग के लिए जो खंभे होते हैं, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 12 फीट तक के, जैसे सांचे रखो वैसे इसमें खंभे बन जाते हैं। इसके साथ में ही बनने वाले, जैसे आपके साथ में दिखाई दे रहे हैं ब्लॉक, ये छोटे ब्लॉक है, बड़े ब्लॉक है, जैसे जैसे सांचे होते हैं, ये एक सांचा है, दूसरा सांचा है, ये तीसरा सांचा है, ये सांचे हैं। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपको ब्लॉक चाहिए, जैसी डिजाइन में आपको ब्लॉक चाहिए, वैसे आपको बस सांचे बनवाने हैं। ये वाइब्रेटिंग टेबल है, इसके ऊपर रखना है, फिर आप इसमें जो मसाला, आपने देखा ही होगा घर बनाते समय अपन गिट्टी, रेत, कंक्रीट और ये अपने जो सीमेंट है या फिर जूरी है, वो सब कुछ इसमें अपन मसाला बना के डाल देंगे। मसाला बना के डालने के बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ थोड़ा सा ढलान रखेंगे इस टेबल को। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये वाइब्रेट करना शुरू होगा, तो वाइब्रेट होगा तो ये क्या है, जो मसाला है इसमें पूरा जम जाएगा और अपना जो ब्लॉक है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब ये ब्लॉक है, एक साइड निकलते जाएंगे, आगे से जो बंदे होंगे वो उठा लेंगे और साइड में धूप में सुखा देंगे। ये देख लीजिए आप, अगर नॉर्मल अपन सुखाते हैं तो वो 2 से 3 दिन 4 दिन लगेंगे, लेकिन वाइब्रेटिंग होने के बाद 1 से 2 दिन में ये सूख जाएंगे और अपने ब्लॉक तैयार हो जाएंगे। अब इसमें अपन ने देखा है कि खंभे तैयार कर सकते हैं, ये तैयार कर सकते हैं, ईंटे भी तैयार कर सकते हैं, सब कुछ तैयार कर सकते हैं। बस अपन को ये ध्यान रखना है, बस जैसा सांचा वैसा अपना ब्लॉक तैयार हो जाएगा। अब कुछ आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जहाँ पर ये वाइब्रेटिंग टेबल बनते हैं वहीं से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्या आपको वर्कशॉप की भी आवाज़ आ रही होगी बाहर पीछे और इधर उधर आते जाते का सारा डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर इस वाइब्रेटिंग टेबल को आपको खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, तो एसके इंडस्ट्रीज भिलवाड़ा में मैं आया हुआ हूँ। पहले भी आपने वीडियो देखे काफ़ी सारे, इसलिए आपको एक मांग थी कि सर अभी जो ट्रेंड में चल रहा है किसान साथियों के लिए, वो अपने मशीन बताओ आप जिसमें ईंटे भी बन जाए और मल्टीपल यूज काम में आए। मशीन खरीदने और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के बीच में मैं देता रहूँगा, तो उससे आपको क्या थोड़ी आसानी रहेगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।